या रिलेटिव है? क्या रिलेटिव? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, रिलेटिव को हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष का। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है चना के साथ सरसों, ग्राम प्लस मस्टर्ड। लेकिन जब कोई भी फार्मर किसी भी खेत में चना को लगाया, किसको लगाया? चना। लेकिन बीज मिश्रित होने की वजह से, मिक्सर होने की वजह से उस खेत में आपको क्या दिखाई दिया? सरसों मस्टर्ड। मतलब दोनों फसल है लेकिन लगाया किसको है उन्होंने? चना। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि जब जब किसी भी खेत में किसी एक फसल के साथ चना को आपने लगाया है, तो जब किसी भी प्रक्षेत्र में किसी एक फसल के साथ कोई दूसरा फसल उगाता है तो उसे कौन सा खरपतवार बोलते हैं बेटा? रिलेटिव खरपतवार, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष खरपतवार। अर्थात डायरेक्ट बोलूं तो किसी प्रक्षेत्र में दो फसलों का उगाना, क्या बेटा? दो फसलों का उगाना क्या कहलाएगा? सापेक्ष। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नेक्स्ट वन रोगी, रोगे कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? रोगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार देंगे। यहाँ पे एक फसल है धान, क्या बेटा? धान। जब धान का एक किस्म है महमाया, धान के किस्म है क्या? महमाया। तो धान के एक किस्म महमाया एक मोटा चावल है और एक चिमटी क्या है? पतला चावल। तो जब किसी धान एक फसल है, तो जब किसी एक फसल के दो किस्मों का, जब किसी एक फसल का दो किस्म उगाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? रोगा। तो जब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी खेत में किसी एक फसल का दो किस्म एक साथ उगाता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? रोगा। जैसे धान की महमाया किस्म के साथ एचएमटी का उगाना क्या कहलाता है? रोगा। पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, द रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट, ऑफ टाइप प्लांट को खेतों से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर लगाना रोगिंग। क्या लगाओगे बेटा? रोगिंग। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट, जिसे हम कहते हैं क्या? निरपेक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? निरपेक्ष। अब बुक में लिखा रहता है सापेक्ष व रोगय, सापेक्ष व रोगय खरपतवार को छोड़कर दुनिया में जितने भी खरपतवार होंगे वो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष खरपतवार। सापेक्ष एक टाइप का फसल है, दो फसलों का उगाना सापेक्ष, दो किस्मों का उगाना रोगा है, और इन दोनों को छोड़कर जो भी पौधे का समूह होगा वो कौन सा खरपतवार? निरपेक्ष खरपतवार। अर्थात वे खरपतवार जिसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, जिसका कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता, वो कौन सा खरपतवार कहलाता है बेटा? निरपेक्ष खरपतवार। जैसे हम कह सकते हैं हिरणपुरी, कंट्रोलस, अरवेंसिस। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है मिमिक्री, मिमिक्री मतलब नकलची। तो वे नकलची मतलब क्या? द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी टू द मेन क्रॉप, वे खरपतवार जो आकारकी में मुख्य फसल के समान दिखाई देता है, जिसको पहचानना क्या होता है? मुश्किल होता है। मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी टू द मेन क्रॉप एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। मतलब वे खरपतवार जिसको पहचानना मुश्किल होता है और वे आकारकी में मुख्य फसल के समान दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? मिमिक्री। और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, गेहूसा को फ्लेरिस माइनर बोलते हैं बेटा। गेहूसा को क्या कहते हैं? फ्लेरिस माइनर। तो फ्लेरिस माइनर इन वीट फील्ड, मतलब फ्लेरिस माइनर का गेहूं के खेत में पाया जाना कौन सा खरपतवार होगा? मिमिक्री। धान के खेत में सावा, सावा को क्या बोलते हैं बेटा? इकाइनोग्लोबा। इकाइनोग्लोबा या सावा का धान के खेत में पाए जाने वाला कौन सा खरपतवार होगा बेटा? मिमिक्रीट्स। नकलची खरपतवार, कैसा खरपतवार? नकलची खरपतवार। एंड नेक्स्ट वन सैटेलाइट, फिर से ट्रिपल स्टार लगाएंगे। सैटेलाइट मतलब दूसरे ग्रह की बात करेंगे, तो जो दूसरे प्लेनेट, मतलब वे खरपतवार जो दूसरे देशों से, जो दूसरे देशों से हमारे देश में लाया गया है, अर्थात वे खरपतवार जिसका उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुआ है लेकिन वो हमारे देश में पाया जाता है, उन सभी खरपतवार को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया एग्जाम में कि वह खरपतवार जो भारत के पारिस्थितिक तंत्र को अपना लिया है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बेड्स हैव इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे भारत के सभी भागों में फैल चुका है, उस खरपतवार को क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। तो जिस खरपतवार की उत्पत्ति भारत में नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं बेटा? सैटेलाइट। इसी कारण इसे एलियन वीड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलियन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जरायन हमारे देश में किस देश से लाया गया बेटा?
राजा घास यूएसए से, सत्यनाशी मेक्सिको से, कस्कुटा चाइना से, देन फॉरो बैंक के बेटा यूरोप से। क्लियर है? यस सर। ये रहा दो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन जो आपके आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।